बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी में हर्जाने का मुकदमा हारने के बाद पाकिस्तान को जोरदार झटका लगा है। जहां शुरुआत में पीसीबी ने बीसीसीआई पर 447 करोड़ रुपए का मुआवजे का मांग की थी, वही अब खुद पीसीबी को बीसीसीआई को 12 लाख डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। आईसीसी के विवाद निवारण पैनल ने पीसीबी को बीसीसीआई के उस रकम की 60% हिस्सा अदा करने को कहा है जो इस केस के लड़ने के लिए बीसीसीआई ने खर्च किया है। वहीं इस फैसले के आने के बाद हर तरफ पीसीबी की आलोचना हो रही है, साथ ही पहले से ही आर्थिक बदहाली झेल रहे पीसीबी के लिए एक बड़ा झटका है। आईसीसी के विवाद निवारण समिति ने पहले पीसीबी के मुआवजे के दावे का नामंजूर कर दिया, उसके बाद बीसीसीआई ने लीगल खर्च का हवाला देते हुए पीसीबी पर 15 करोड़ के भुगतान का दावा ठोका था, जिसमें आईसीसी ने फैसला सुनाते हुए पीसीबी को 12 लाख डॉलर का भुगतान करने को आदेश दिया है। यह पूरा मामला भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज के समझौते को ना मानने को लेकर था। वहीं आलोचना झेल रहे पूर्व पीसीबी के अध्यक्ष नजम सेठी ने ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की है। नजम सेठी ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रीय संस्था के गवर्नर्स बॉडी के सर्वसम्मति से फैसला किया गया था, मेरे अकेले का फैसला नहीं था। वहीं सेठी ने ट्वीट में आगे लिखा कि बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी विवाद निवारण समिति के पास जाने का फैसला पीसीबी के गवर्नेंस बॉडी के चेयरमैन शहरयार खान के नेतृत्व में सर्वसम्मति से किया गया था। उन्होंने आगे लिखा कि हमेशा हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष के पूरे खर्चे का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आईसीसी ने बीसीसीआई के खर्च का केवल 60% ही भुगतान करने को पीसीबी के लिए कहा है, क्योंकि वो मानता है कि पीसीबी ने वैध मामला उठाया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।